कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका जीएस एजुकेटर आलोक वाजपेयी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या आप सभी जानते हैं कि जो सैलरीज का जो क्राइटेरिया है, जो सैलरीज रहती है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ये सारी सैलरीज हम लोग आज के इस शॉर्ट वीडियो में जरूर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट, जो देश का सर्वोच्च नागरिक भी कहलाता है, देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाते हैं राष्ट्रपति महोदय को, तो माननीय राष्ट्रपति महोदय की सैलरी होती है 5 लाख रुपए प्रति माह होती है, ठीक है। इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी है उपराष्ट्रपति महोदय की, वो 4 लाख रुपए प्रति माह होती है। गवर्नर ऑफ स्टेट्स, जो जितने गवर्नर्स हैं उनकी सैलरी 3.5 लाख, 3,50,000 रुपये प्रति माह होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी होती है 2,80,000, ठीक है। और इसी तरीके से जो अदर जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सैलरी होती है 2,50,000। और अगर कभी सीएजी की सैलरी पूछी जाए तो सीएजी की भी सैलरी 2,50,000 होती है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी पूछी जाएगी तो 2,50,000, और हाई कोर्ट के अन्य जस्टिस की सैलरीज अगर पूछी जाएंगी तो 2,25,000। एक बार फिर से याद कर लीजिए, राष्ट्रपति 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख, गवर्नर ऑफ स्टेट 3.5 लाख, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2,80,000, और अन्य हाई कोर्ट, अन्य सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस 2,50,000, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 2,50,000, हाई कोर्ट के अन्य जस्टिस 2,25,000। तो ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।